कसरावत तहसील के निमरानी में अवैध और अमानक बायोडीजल पर कार्यवाही के बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ तीखे तेवर दिखाते हुए वर्षों से जमे हुए विशाल और बड़े अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से नेस्त नाबूद कर दिया है। कसरावत प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एसडीएम अग्रिम कुमार अपने दल बल के साथ आज सुबह से ही निमरानी पहुँच गए, तो वहीं पुलिस टीम की कमान एसडीओपी मनोहर गौली ने संभाल रखी थी। अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला और सारा अवैध अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से ढहा दिया गया। एसडीओपी मनोहर गौली ने बताया कि निश्चित ही इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों को सबक मिलेगा और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त होंगे। हालांकि खबर लिखे जाने तक हल्के फुल्के विरोध की खबरें सामने आ रही थी, पर स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, काफी समय से इस क्षेत्र में बायोडीजल के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, आज क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण हटाया है, निश्चित ही ये उन लोगों के लिए संदेश जाएगा जिन्होंने इस हाईवे पे या इतनी कीमती जमीनों को रोक करके और किया था, क्या कहना चाहिए? निश्चित ही इनके द्वारा इस प्रकार से इलीगल तरीके से तो संबंधित विभाग इसमें क्योंकि आज का अतिक्रमण मेरे ख्याल से शांतिपूर्ण होता या कोई विरोध था? ये थे मनोहर गौली जी जो बता रहे थे कि ये अतिक्रमण को शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है और निश्चित ही उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि जो हाईवे पर इस तरीके के अवैध कारोबार कर और सरकार की जमीन को हड़पना चाहते हैं उन्हें इसी तरीके से बहा दिया जाएगा जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई है। एसडब्ल्यू न्यूज़ के लिए मैं आकिल खान अफगान खान के साथ। पब्लिक सेफ्टी और जन सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मौजूद है। पेट्रोल पंप भी गिराया गया, अवैध गोदाम, क्या क्या सर इस तरह के अवैध पाए गए यहाँ पर? बेसिकली इस प्रेमिसेस में अवैध एक्टिविटीज़ का संचालन हो रहा था, ये सूचना हमें मिली थी और जो भी कार्रवाई है वो तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस से हो रही है। हम लोग आज, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं एसडीएम हूँ, मेरे साथ एसडीओपी हैं, हम लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस एंड पब्लिक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से यहाँ आए हैं। जो भी चल रहा है लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है। ये तो मैं बता नहीं सकता, अभी तो यहाँ चल रही है ये कार्रवाई, इधर चल रही है। बायो डीजल जब्त हुआ था उसके 9 सैंपल लिए गए थे, 4 सैंपल फेल भी हुआ है, क्या मामला था सर? ये अभी भी जांच का विषय है। एक्चुअली हमारी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनी है जिसमें मैं हूँ, एसडीएम खरगोन है, एसडीओपी हैं, तो वो जांच अभी चल रही है, स्टिल इन प्रोसेस। किसके नाम से सर दर्ज है सर? पेट्रोल पंप और गोदाम सर यहाँ पर जो गिराया गया, हाँ, किसके नाम से दर्ज है सर? दर्ज पेट्रोल पंप का ये वाली जानकारी तो मेरे पास है नहीं, मतलब किसके नाम पे दर्ज है, बट हमें ये सूचना मिली है कि ये पूरा बेसिकली इलीगल एक्टिविटी चल रही है। कितना भारी पुलिस बल के साथ में आप लोग सब पहुँचे? हम लोगों के पास 40 के लगभग पुलिस बल है जिसमें महिला पुलिस बल भी है और हमारे पास इसके अतिरिक्त हमारे पटवारी साहिबान और कोतवाल भी है। बेसिकली ये सारा हमने अरेंजमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस एंड पब्लिक सेफ्टी को देखे किया था कि यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो। सर इलीगल जो जैसे संचालित हो रहा था, क्या FIR भी होगी सर? चल रही है, अभी जांच चल रही है, उसके ऊपर जो भी पॉइंट निकल के आएगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई होगी क्या? सारी कार्रवाई चल रही है, अभी जांच होगी, जो 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 कुछ निकल के आएगा उस पर विधिवत कार्रवाई होगी। सर अभी कितने लोगों पे FIR हुई? इससे अनरिलेटेड है, वो आप लोगों के संज्ञान में होगा जो भी पिछली कार्रवाई हुई है। ये आज हम इधर कार्रवाई करने आए हैं, वो भी हम लोग सिर्फ मजिस्ट्रियल अधिकार से आए हैं। और अवैध भंडारण, निर्माण फर्जी लाइसेंस, तंबाकू गोदाम वगैरह मिले थे जिन पर FIR दर्ज हुई थी और अब तक वो निर्माण टूटे नहीं है, वो उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि वो मतलब वहाँ का मामला है, तो इसके मेरी नॉलेज में भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।